नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, बाजार में मिलने वाले टूथपेस्टों में आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वह सब लोग नमक, चारकोल और ना जाने क्या क्या नाम से अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, और साथ ही इसी वजह से उनकी प्राइस यानी कि कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अगर एक एवरेज 30 रुपए में मिलने वाले सस्ते टूथपेस्ट का हिसाब लगाया जाए तो एक आदमी रोजाना 1.5 से 2 ग्राम तक टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेता है, और इसी तरह 60 साल की उम्र तक केवल एक आदमी करीबन 1,50,000 रुपए तक का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेता है। जबकि जो टूथपेस्ट बाजार में मिलते हैं उनसे केवल उन्हीं लोगों को फायदा होता है जो लोग उनके एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन में दिखाए जाते हैं। हम लोग जो एड देखकर टूथपेस्ट खरीद लेते हैं उन्हें ना कभी टूथपेस्ट से फायदा हुआ है ना कभी होगा, बल्कि मिलेगी तो सिर्फ तरह तरह की बीमारियां। और आप जानकर हैरान होंगे कि इन टूथपेस्टों से कैंसर तक होने का खतरा होता है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। यह एक केमिकल होता है जिससे टूथपेस्ट के अंदर झाग आता है, और शायद आप जानते ना हो इसी केमिकल का इस्तेमाल शैम्पू और सर्फ के अंदर भी झाग पैदा करने के लिए किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इस पे वार्निंग यानी कि चेतावनी भी लिखी रहती है कि इसे 6 साल से छोटी उम्र के बच्चों से दूर रखा जाए, और साथ ही इसे शरीर के अंदर निगला नहीं जाए, और किसी वजह से अगर आप इसे गलती से निगल लेते हैं तो तुरंत पॉइजन कंट्रोल सेंटर यानी कि जहर नियंत्रण केंद्र पर या हॉस्पिटल पर संपर्क करें। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो हर टूथपेस्ट के ऊपर उसकी केमिकल की मात्रा के अनुसार एक मार्क होता है जो दिखाता है कि उसमें कितना केमिकल है। ग्रीन यानी कि हरा मार्क जो कि दिखाता है कि टूथपेस्ट पूरी तरह प्राकृतिक यानी कि केमिकल फ्री है। ब्लू मार्क यह बताता है कि टूथपेस्ट आधा केमिकल और आधा प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना है। रेड मार्क यह बताता है कि टूथपेस्ट के अंदर ज्यादातर केमिकल ही यूज हुआ है, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है। और इसके बाद आता है ब्लैक मार्क जो कि यह बताता है कि टूथपेस्ट पूरी तरह ही केमिकल द्वारा निर्मित है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप टूथपेस्ट खरीदे तो इन सारी चीजों पर ध्यान जरूर दें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं घर पर ही पूरी तरह प्राकृतिक टूथपेस्ट और मंजन बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, नीम की छाल या फिर नीम के पत्तों का पाउडर, सिकी हुई फिटकरी का पाउडर, आंवले का चूर्ण और पिसी हुई लौंग की। दोस्तों, हमें इसमें फिटकरी सिकी हुई लेना है। फिटकरी को सेकने के लिए फिटकरी को कूटकर उसका चूरा बना ले और फिर इसे कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह सेक ले। कढ़ाई में जब हम इसे सेकते हैं तो यह थोड़ी कड़क होने लग जाती है। हमें इसे अच्छी तरह पलटा पलटा कर सेकना है, और अगर यह वापस कड़क हो जाती है तो हमें इसे फिर से पीस कर इसका चूरा बना लेना है। दोस्तों, हमें इन सारी सामग्री को बराबर मात्रा में मिलाकर एक पाउडर तैयार करना है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल सूखा मंजन की तरह भी कर सकते हैं और इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको यह चूर्ण खाने वाले नारियल के तेल मिलाना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आप इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट की तरह ब्रश पर लगाकर कर सकते हैं। दोस्तों, यह पेस्ट दांतों से जुड़ी सभी समस्याओं का एक रामबाण इलाज है। मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में सूजन, दांतों से खून आना, दांतों का सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होना, इस तरह की सभी दांतों से संबंधित समस्याओं में यह हमें राहत प्रदान करता है, और साथ ही यह हमारे दांतों में जमी हुई गंदगी को साफ कर उसमें चमचमाती हुई सफेदी प्रदान करता है। इसके अलावा दांतों की सफेदी के लिए एक और टूथपेस्ट है जो आप घर पर ही बना सकते हैं, और यह टूथपेस्ट दांतों को सफेद करने का सबसे तेज इलाज है। इस टूथपेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा, खाने वाला नारियल का तेल और पुदीना एक्सट्रैक्ट की यानी कि पुदीने के अर्क की। इसे बनाने के लिए आपको खाने वाले नारियल के तेल में बेकिंग सोडा को मिक्स करना है। जितना हमने नारियल का तेल लिया है उससे आधी हमें बेकिंग सोडा की मात्रा रखनी है, और उसमें हमें करीबन आधा चम्मच पुदीने का एक्सट्रैक्ट मिलाना है। पुदीने का एक्सट्रैक्ट आप अपने स्वाद के अनुसार भी मिला सकते हैं, और यदि आपको यह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह तुलसी का एक्सट्रैक्ट यानी कि तुलसी का अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोनों चीज आपको किसी भी पतंजलि के स्टोर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर आप किसी जार या कंटेनर में रख सकते हैं और रोजाना इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट की तरह कर सकते हैं। यदि आपके दांत पीले हैं तो यह उसमें बहुत ही ज्यादा कारगर है जो कि बहुत तेजी से असर दिखाता है। इसका असर दुगना करने के लिए आप जब इस पेस्ट का इस्तेमाल करें तो इसमें 2 से 3 बूंद नींबू का रस और 1 चुटकी नमक को इसमें मिक्स कर ले। ऐसा करने से इसका इफेक्ट दुगना हो जाता है, और इस तरह से यह 1 से 2 इस्तेमाल में ही आपके दांत के पीलेपन को पूरी तरह हटा देता है और देता है उन्हें चमचमाती हुई सफेदी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी, ताकि आप डेली आने वाली आयुर्वेदिक टिप्स और आयुर्वेदिक न्यूज से जुड़े रहें। फेसबुक पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर चैट के थ्रू हमसे बात भी कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।